अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा 48 मिलियन डॉलर्स का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और हम जो है वो इस पे खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की एक, मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पे खुशियां मना रहे हैं। आपको आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्रहित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को देख, इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। हम भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहाँ पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहाँ पे 5 मुआहदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बना। पर जिन्ना का पाक सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर, इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है, सऊदी सऊदी हैज स्टेप्ड इन अ बिग वे। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा 48 मिलियन डॉलर्स का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये जी पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्रहित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा, तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा? कतई नहीं। क्या मैं आपको बता सकता हूं? देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है? लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है? आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको, फिर वो उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। हम भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहां पे 5 मुआहदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर आईटी एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पर हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब, हमने अपना अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी यह है कि जनाब, हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी यह है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर, एक वीडियो वाला रखना है, जनाब मैं जिससे मिलूँ मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है। ये हमारे पास है। हम अपने मुल्क के लिए कितना सोचते हैं ये तो देखें ना जरा, किस हुक्मरान ने कितना अपने मुल्क के लिए सोचा, कौन हम पर कितना इतमार करते, ये भी आप देखें।
ये बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। हम बार बार कहते हैं, हमने कहा कि हमने अभी हमारे वजीर आजम साहब ने कहा जी हम एट पी मुल्क हैं, अब हम कॉल नहीं उठाएंगे। चले अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ मैं सबसे पहले सलूट करूंगा और वो करें ये काम। कश्कोल उस वक्त तोड़ा जाता है। वैसे इस बात पे याद आया, इस बात पे याद आया कि कोई आपसे कर्ज लेने वाला मुसलसल आपसे कर्ज मुस्तार लेता रहे तो वो हर बार यही कहता है कि अब की बार दे दो, आज के बाद नहीं लूंगा, और हर बार वो वही जुमला दोबारा से दोहराता रहता है। और ये ऐसा ही है कि $3 अरब का अगर मुआहदा तय पा गया तो उसके बाद अगर कहा जाए कि आज के बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, कश्कोल को तोड़ देंगे, ये वही मंजरनामा है जो एक मांगने वाला जो पिछले 13 साल से मांग रहा है उसका वही जुमला। अच्छा, आपने कर्जे की बात की, मैं थोड़ा सा इस बात को बढ़ाऊंगा। क्या मुल्क कर्जे पे चलते हैं? नहीं चलते। मैं उसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक दुकान बना लें, ठीक है, आप एक दुकान बनाएं, उसे खुद ऑन करें और चलाएं, उसमें से आएगा आपको प्रॉफिट। और उसी दुकान को आप किसी को दें और उसे कहें यार मुझे आप इसमें से सिर्फ जो है ना किराया दे दें, और आप बाहर से कर्जा उठाओ और कहो कि किराए से मैं इसका कर्जा भी उतारूं और फिर मैं अपने दुकान को भी चलाऊं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आप जब तक प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे आप अपने मुल्क को चला ही नहीं सकते, नहीं चला सकते। ठीक है, और आप, मैं इमरान खान को एक चीज़ के ऊपर ना अप्रिशिएट करूँगा कि उसने एक इनिशिएटिव लिया था बड़ा अच्छा, कि उसने कहा था कि आप सबको फाइलर कर दो, जो भी चीज़ तैयार हो ठीक है उसकी एक स्लिप बने, ताकि उसका आपको जितना भी प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को पता होगा कि ये बंदा किस तरह से कमा रहा है और किस तरह से ले रहा है। सही बात है, सही बात। यहाँ पे जाके हमारे जो ब्लैक मेलर्स बैठे हुए हैं वो मरते थे उन्होंने, ठीक है। अब इलेक्शन ही देख लो भाई, इलेक्शन ही बायोमेट्रिक पे होने लगे थे तो वो भी नहीं होने दिए। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, आप अकाउंट खुलवाते हैं आप बायोमेट्रिक, आपने कहीं जाना है बायोमेट्रिक, आपने कुछ लेते करना है, जो भी करना है आपने, इवन दो कि आपने अपना कहीं से जाके रिजल्ट कार्ड भी अब लेना है ना तो आपको बायोमेट्रिक करवानी, तो जब सब कुछ बायोमेट्रिक पे है तो आप इस चीज़ से क्यों डरते हैं कि वोट बायोमेट्रिक ना हो? बिल्कुल सही होगा यार, आपकी राय लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, शॉर्ट करते हैं बहुत। जी बिल्कुल ज़रूर, राय मेरी यही है कि हम बाकी सबको कंपेयर करने के बजाय पहले कहते हैं कि खुद का गिरेबान देखो और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर चलो। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत। जब तक हम खुद को नहीं सेट करेंगे तब तक हम किसी की तरफ जब मर्जी देखते जाएं, अगर हम बात इंडिया की करें, बांग्लादेश की करें, अफगानिस्तान की करें, जितने भी छोटे मुल्कों की बात करें, हम उनसे न्यूक्लियर होने के बावजूद हम पीछे किस वजह से हैं? क्योंकि हमारे अंदर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।